Hey, स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आपको सफल बनाना मैंने जिम्मेदारी ले ली है। बहुत सारे व्यापारी आज भी मेरे देश में मुंगेरी लाल की तरह काम कर रहे हैं। कौन है मुंगेरी लाल पता है आपको? ये वहां धंधा खोलता है जहां सबका चल रहा है। इसकी जूस की दुकान चल गई, चलो अपनी खोल देते हैं। इसका छल्ली भुट्टा चल गया, मेरा लगा देते हैं। इसकी बिक्री आइसक्रीम तेज, मेरा भी लगा दे आइसक्रीम का ठेला। ये मुंगेरी लाल की तरह धंधे करेंगे तो लोग आएंगे और एक साथ लाइन लगा के देखिए। धंधा वो होना चाहिए जिसमें दूसरा घुस ना पाए। एक बार और कमॉन, मोनोपोली कैसे क्रिएट करें? क्रिएट करेंगे एंट्री बैरियर खड़ा करके। क्या होता है एंट्री बैरियर? आज कमाल का फॉर्मूला देने जा रहा हूं। हाईवे पे जाओ, एक कचौड़ी वाला चल जाता है, 50 और आ जाते हैं। एक मोमोज वाला चल जाता है, 50 और आ जाते हैं। एक छल्ली वाला चल जाता है, 50 और आ जाते हैं। क्या हो रहा है ये देश के अंदर? ऐसे धंधा किया जाता है। हमारे देश के व्यापारी सब मुंगेरी लाल बने हुए हैं। आज वही मुंगेरी लाल को बाहर निकालूंगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान देना। व्यापार ऐसा करूं कि दूसरा घुस ना पाए अपने बिजनेस को। एक मोनोपोली अपनी मार्केट में कैसे क्रिएट, जानना चाहते हैं? कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। मेरा पहला टिप है, मैं जो आपके सामने टेक्निक्स दे रहा हूं उनको बोलते हैं एंट्री बैरियर। क्या कहते हैं? एंट्री बैरियर। अपने व्यापार को कुछ ऐसा बना दो कि दूसरा वाला पीछे से घुस ना पाए। ये देखिए, ये नीला समुद्र है, ये लाल समुद्र है। इधर सब के सब आपस में लड़ रहे हैं, इसने एक बैरियर क्रिएट किया, ये आगे निकल गया, बाकी पीछे रह गए। अपने व्यापार में आगे निकलना चाहते हो? सारे टिप्स देखना ध्यान से। ये आगे निकल गया, बाकी पीछे आपस में एक दूसरे कट थ्रोट। क्या बोल रहे हैं? कट थ्रोट, एक दूसरे का गला काटने में लगे। क्या आपके साथ भी डिस्काउंट देना पड़ता है आपको? उधारी देनी पड़ रही है आपको? ये डिस्काउंट उधारी सब बंद। आज धंधा करेंगे कैश में, मुनाफा कमाएंगे मोटा। ध्यान दीजिए आगे कैसे निकलना है। मेरा पहला पॉइंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। क्या अर्थ हुआ इसका? कोका कोला का एग्जांपल देते हैं आपको। कोका कोला क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन सिरप बनाया है कोका कोला ने। अपनी कोल्ड ड्रिंक खुद नहीं बनाता, बॉटलर को बोलता है कार्बोनेटेड पानी मिलाओ, चीनी मिलाओ मेरे सिरप में। उसके सिरप के बारे में 1891 से शुरुआत करी, आज तक सिरप के बारे में किसी को नहीं पता, कोई जानता ही नहीं उसका सिरप कैसे। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड सीक्रेट। एक्चुअल फॉर्मूला आज तक कुछ ही गुमनाम लोगों को पता है, और वो गुमनाम कौन है? उनका कोई नाम नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं। कर्नल सैंडर्स ने भी KFC के अंदर ऐसा ही ट्रेड सीक्रेट जनरेट किया अपनी सीक्रेट रेसिपी के साथ में। किसी को नहीं पता चलता, लेकिन बिजनेस बहुत स्केल अप कर दिया। क्या आपके बिजनेस में भी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे एंट्री बैरियर जनरेट हो जाए? कुछ एग्जाम्पल आपके लिए तुरंत अप्लाई होंगे, कुछ आपको सोचने पड़ेंगे। मेरा अगला पॉइंट सुनिए, पेटेंट एंड लाइसेंसेस। पेटेंट एंड लाइसेंसेस ये यूरोपियन अमेरिकन कंपनीज बहुत करती हैं। अच्छा, हमारे देश में भी कुछ मुंगेरी लाल चवन्नी लाल उसको बना लेते हैं, लेकिन डर के मारे किसी को पता ना लग जाए, किसी को पता, धंधे में केवल अपने बेटे को बिठा लेते हैं। पेटेंट एंड लाइसेंसेस की मदद से धंधा बहुत स्केल अप हो सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली ये ओनर को एक राइट देता है, जिस राइट के चलते कोई दूसरा कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट को ना तो बना सकता है ना बेच सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर दो प्रकार की मेडिसिन बनती हैं, एक है जेनेरिक और दूसरी है मॉलिक्यूल। जेनेरिक मतलब जनरल, जो सबके पास है। मॉलिक्यूल मतलब आपने अपने R&D के अंदर वो स्पेसिफिक आइटम बना ली जिसका आपने पेटेंट ले लिया। अब 10 रुपए की आइटम आप 1000 रुपए की बेच रहे हैं, लेकिन कोई कॉम्पिटिशन घुस नहीं सकता, एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया। एंट्री बैरियर भी क्रिएट किए जा सकते हैं अगर आप छोटे 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 R&D सेंटर बिल्ड कर ले अपनी कंपनी के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आपको लगता है मुश्किल, अभी सुनते रहिएगा, आसान आसान कई तरीके हैं, और एक ऐसा तरीका है जो आपको सफल पक्का बना देगा, वो लास्ट में बताऊंगा। अगला वाला एग्जाम्पल तो आप रोज अपने जीवन में देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी एंट्री बैरियर क्रिएट कर देता। जानना चाहते हैं कैसे? नोकिया का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा था, लेकिन अंदर से खोखला कमजोर था। नोकिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को 15-15, 20-20, 25-25 रुपए दिया करता था मार्जिन में। लोग इंतजार कर रहे थे कोई आ जाए नोकिया को पीटने के लिए रिटेलर, क्योंकि रिटेलर थके हुए थे। 20 रुपए के मार्जिन पे मोबाइल बेचा करते थे। नोकिया ने ध्यान नहीं रखा अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का, लेकिन वहीं कौन आ गए? ओप्पो, वीवो। हाईएस्ट मार्जिन दे रहे हैं आज, सबसे बड़ा मार्जिन दे रहे हैं। किसी भी रिटेल की दुकान पे चले जाो, वो बोलेगा सबसे बढ़िया मोबाइल ओप्पो का है ले लो, सबसे बढ़िया मोबाइल ओप्पो का है ले लो। ओप्पो वीवो की वो तारीफ करता है। क्यों? ओप्पो वीवो ने आज डूबते हुए रिटेलर को
ऐसे रिटेलर को जिसको फांसी लग जाती, मर जाता बेचारा, क्योंकि उसके पास मार्जिन नहीं था, खर्चा खर्चे के लिए पैसा नहीं था। आपको पता नहीं मोबाइल जो का धंधा है ना, बहुत कम मार्जिन का है, मोबाइल में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होता। लेकिन ऐसे मोबाइल रिटेलर को बचाने के लिए ओप्पो और वीवो आए हमारे देश के अंदर, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पावरफुल बिल्ड कर दिया। आज रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर ओप्पो वीवो की तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने उनका ध्यान रखा है। आज ओप्पो वीवो ने डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर की जिम्मेदारी उठाई है और आज डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ओप्पो वीवो के लिए बहुत लॉयल हो गए हैं। बाकी सारी हैंडसेट कंपनी के लिए एंट्री बैरियर क्रिएट हो गया। क्या हो गया? एंट्री बैरियर। इसको बोलते हैं एंट्री बैरियर। आपके पार्टनर्स के साथ मिलके आप ऐसा संबंध बना लो, उनके साथ ऐसा मजबूत संबंध बना लो कि दूसरा कोई अंदर घुस ही ना सके। क्या आपने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार किया? कर सकते हैं आप। लीडरशिप फनल में आते हैं ना आप में से कई लोग, उनको हम हेल्प करते हैं बिल्ड करने के लिए। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते तो कम से कम वीडियो देखिए। बहुत तरीके हैं एंट्री बैरियर बिल्ड करने के, मैं कुछ और बताने जा रहा हूं। जब सैमसंग और नोकिया एक के बाद एक रिटेलर को घाव पे घाव दिए जा रहे थे और उस पर नमक छिड़क के मुस्कुरा रहे थे, हमारा मोबाइल अपने आप बिकता है, रिटेलर क्या बेचेगा, तभी उनके घाव पे, उनके जख्म पे मरहम लगाने के लिए करण अर्जुन की तरह आए ओप्पो वीवो, जिन्होंने आकर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। वो माँ बोलती थी ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। आ गए ओप्पो और वीवो, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एम्पावर किया। एक एक रिटेलर बोला, देखो देखो हमें बचाने वाले करण अर्जुन आ गए हैं। ओप्पो वीवो की इंटेलिजेंस देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इतना एम्पावर किया, रिटेलर उनका साथ दे, क्यों नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने रिटेलर को बचाया है, डूबते हुए रिटेलर को ईमानदारी से इज्जत दी है, उसको सपोर्ट दिया है। इसीलिए आज एंट्री बैरियर आ गया, इतना पावरफुल एंट्री बैरियर। अपने पार्टनर्स को मजबूती दीजिए, ये लर्निंग है ओप्पो वीवो से। अपने पार्टनर्स को मजबूती दीजिए, एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाएगा। अगला मेरा पॉइंट है एक्सक्लूसिव राइट्स। जिस भी व्यापार के आप अंदर आप हैं, आप देखिए कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसका आप एक्सक्लूसिव राइट लेकर के अपने देश इंडिया के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट कई मोबाइल फोन हैं जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे अपने एक्सक्लूसिव राइट देते हैं माल बेचने के लिए और मार्केट के अंदर हंगामा। देखिए क्यों? क्योंकि एंट्री बैरियर क्रिएट हो गया। जैसे एमआई के फोन, मोटरोला, लेनोवो, ये एक एक महीने के लिए अपने प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव केवल फ्लिपकार्ट को देते हैं या अमेजॉन को देते हैं। फ्लिपकार्ट ने तो काम ही ये कर रखा है, 70% जब भी एक्सक्लूसिव धंधे का काम आएगा तो फ्लिपकार्ट ले लेता है, ये उसका तरीका है बिजनेस करने का। एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिए, देश के सारे रिटेलर तंग होते रहते हैं फ्लिपकार्ट के कारण। जितने मोबाइल रिटेलर परेशान हैं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से, अमेजॉन थोड़ा पीछे है, वो 30% लेता है, फ्लिपकार्ट सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव सेल्स की डील्स उठा लेता है मार्केट के अंदर। ये भी एंट्री बैरियर क्रिएट करने का तरीका है। कोई भी आपकी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा प्रोडक्ट जो अभी भारत देश में नहीं बिक रहा, उसका जो भी ओरिजिनेटिंग कंट्री है उस कंपनी को वहां कॉन्टैक्ट करके उसके एक्सक्लूसिव इंडिया सेलिंग राइट्स अगर आप में दम है तो आप ले सकते हैं। एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाएगा, कोई कॉम्पिटिशन आपके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो पाएगा। अगला मेरा पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इससे भी एंट्री बैरियर क्रिएट हो सकता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? माल इतना बेच दो, इतना बेच दो, इतना बेच दो, इतना बेच दो कि वॉल्यूम के कारण आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, चाहे भले ही मार्जिन बहुत थोड़ा सा क्यों ना हो। उदाहरण है वॉलमार्ट, उदाहरण है डी मार्ट, उदाहरण है बिग बाजार। ये लोग जब मार्केट से माल खरीदते हैं ना, इतना बड़ा बल्क में सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग के कारण खरीदते हैं, अपने आखिरी पैसे के 100वें हिस्से के आखिरी पैसे का भी डिस्काउंट ले लेते हैं, इतना बल्क में खरीदते हैं कि उसके कारण ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड कर लेते हैं। इनसे सस्ता कोई खरीद नहीं सकता, एंट्री बैरियर हो गया। अब इनसे सस्ता कोई बेच ही नहीं सकता, एंट्री बैरियर हो गया। आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करके, मार्जिन्स कम करके ऐसा प्राइस मार्केट में ऑफर कर सकते हैं जिसमें एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाए और कोई और, यही तो डील रहती है इसके। बिग बाजार की आप सोचते होंगे इतना माल सस्ता कैसे दे देता है, यही तरीका है उनका। या फिर डी मार्ट भी कर रहा है, अब इससे बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश के अंदर। अगला एग्जाम्पल, ये थोड़ा हर आदमी नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मेरे आपने पुराने वीडियो में देखा ही हुआ है जियो वर्सेस एयरटेल, जहां मैंने बताया 2.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट
नई टेक्नोलॉजी पे किया, पुरानी पे किया ही नहीं जियो ने। इसको बोलते हैं हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जहां एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया। एयरटेल बेचारा पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट से जूझ ही रहा था, ये नई इन्वेस्टमेंट पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिया। बाकी लोग पीछे पीछे आने में बहुत परेशान हो रहे हैं, इतना बड़ा बैरियर हो गया। टाटा तो बिक ही गया, उसको तो बेचारे को एयरटेल के पास जाना पड़ा, हमको खरीद लो। और उधर से वोडाफोन और आइडिया में चल रहा है। अब ये दोनों सोच रहे हैं हम दोनों एक हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग ये जियो से लड़ नहीं पाएंगे। जियो ने ऐसा एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया, 13 मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज की कंपनी हो गई थी, अब 3 ही रह जाएंगी। फिर सब गिर के सब नीचे आ गए, क्यों? एंट्री बैरियर, जियो के आते ही हंगामा हुआ देश में। अगला मेरा पॉइंट है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, और एग्जांपल मैं दूंगा आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कई वर्जन हैं, सारे वर्जन अगर आप देख लें तो उनका मार्केट शेयर आज अबाउट 90% है। No doubt, Bill Gates has 90% gross margin also because of the proprietary technology. Therefore, he is the richest billionaire in the world. जानते हैं क्यों? इसी को बोलते हैं एंट्री बैरियर। आपके लिए थोड़ा आसान तरीका, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। एग्जाम्पल बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं जुबिलियंट और ज्ञानोसिस की कंपनी कॉल्ड ब्रांड डोमिनोज पिज्जा, मोर देन 60% मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री के अंदर, डिलीवरिंग पाइपिंग स्टीमिंग हॉट पिज्जा एट योर डोरस्टेप इन लेस देन 30 मिनट्स और फॉर फ्री। क्या एक बार और? 30 मिनट के अंदर पिज्जा आपके घर पे, नहीं तो फ्री हो गया जी, फ्री हो गया। ये जो डोमिनोज ने एक्सीलेंट एक्सपीरियंस क्रिएट किया ना, एंट्री बैरियर हो गया। दोबारा कई पिज्जा वाले आए, आधे बंद हो गए और आधे सर्वाइव करने के लिए सांस फुला रखे हैं, पिज्जा टाइम से पहुंचा नहीं पा रहे। इसको बोलते हैं एंट्री बैरियर। मेरा अगला एग्जांपल है ब्रांड इक्विटी। वैसे इसके ऊपर मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, पर एग्जांपल आज जो मैं आपको दूंगा वो है एमसील। एमसील एक्चुअली क्या है? ब्रांड का नाम है, एमसील प्रोडक्ट का नाम नहीं है। एक बार और, सिनोनिमस ब्रांडिंग का एग्जांपल है देश का नमक टाटा, ठंडा मतलब कोका कोला, नूडल मतलब मैगी, एडहेसिव मतलब फेविकॉल। आज इतनी सारी सिनोनिमस ब्रांडिंग हो रखी है, उससे एंट्री बैरियर जनरेट हो जाता है। एमसील ने भी एंट्री बैरियर जनरेट कर दिया। एमसील होता क्या है? एक्चुअली प्रोडक्ट को बोलते हैं एपॉक्सी कंपाउंड, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में किसी को नहीं पता। वो ब्रांड इतना पॉपुलर हो गया कि प्रोडक्ट एपॉक्सी कंपाउंड का नाम तक किसी को नहीं पता, एंट्री बैरियर हो गया। जिसको खरीदने की जरूरत पड़ेगी बोलता भैया एमसील देना, भैया एमसील देना, कभी नहीं बोलता एपॉक्सी कंपाउंड देना, भैया एमसील देना। एंट्री बैरियर हो गया बाकी सारे ब्रांड्स के लिए। आपने वो पुरानी एड देखी थी, जिसने देखी हंस हंस के लोटपोट हुआ था। क्या बोला वो मोटा सा हट्टा कट्टा लड़का अपने पिता से, बोलता है 2 जीरो और डालो, 2 जीरो वसीयत में और डाल दो। वो पिताजी की बेचारे शरीर छोड़ने ही वाले थे, लेकिन वो 0 डलवाया जा रहा था नीचे साइन करा के, तभी एक बूंद टपकी और पहले का 1 मिट गया। एक टपकती बूंद आपकी जिंदगी खत्म कर सकती है। वहीं एमसील फेमस हो गया, एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो गया। अगला मेरा पॉइंट है लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक। और आपको पता है ना, मैं हर पॉइंट के पीछे केस स्टडी देता हूं। मेरे क्लाइंट्स हैं, अच्छा हमदर्द भी मेरा क्लाइंट है। हमने क्या देखा, हमदर्द के कुछ प्रोडक्ट थे जो हैदराबाद के अंदर इस्लाम प्रैक्टिस करने वाली कम्युनिटी के बीच में बड़े पॉपुलर थे। यूनानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बड़े शानदार थे। बीच में हुआ ऐसा कि हमदर्द की कंपनी के अंदर स्ट्राइक हो गई, शायद लेबर यूनियन से हुआ होगा, और वो प्रोडक्ट बना नहीं। इतने में पीछे बैद्यनाथ ने तैयारी मारी, बैद्यनाथ लेके अपने प्रोडक्ट पहुंच गया। लो भाई हमदर्द तो है नहीं, मेरा ले लो, मेरा ले लो। लोगों ने लेना तो शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही हमदर्द वापस आई, लोगों ने बैद्यनाथ को फिर से भगा दिया और फिर से हमदर्द का प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक। कुछ मार्केट के अंदर, कुछ रीजन के अंदर आप लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक जनरेट कर सकते हैं। जैसे इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले लोग हमदर्द में बहुत फेथ रखते हैं, वो लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक है। बेचारा आया तो था वैद्यनाथ, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। ध्यान दीजिएगा, रीजनल लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक भी हो सकती है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, राहुल गांधी की अमेठी के अंदर लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक है। कोई भी आ जाओ, राहुल गांधी को अमेठी में हरा नहीं सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं, रीजनल हो, नेशनल हो, आपकी मार्केट के अंदर भी आप ऐसी सर्विस क्रिएट कर दो लोग आपको लेके लॉयल हो जाए। कोई भी आ जाए, आप ही से माल लेंगे, किसी और का लेंगे नहीं। ये एक एग्जाम्पल था केस स्टडी का। क्या आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं कि ये आपके बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट होगा? अगर आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इसमें मैं कुछ फ्रेमवर्क्स बना के देता हूं आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, जहां कस्टमाइज तरीके से आप उससे प्रश्न कर सकते हैं कि आपके बिजनेस के अंदर एंट्री बैरियर। देखो, अगर धंधा ऐसा करोगे जो हर आदमी कर रहा है, तो डिस्काउंट भी देना पड़ेगा और उधारी भी देना पड़ेगा, कभी धंधे में पनप नहीं पाओगे।
असली व्यापारी वो है जो कंपटीशन को तहस नहस तक कर देता है। मैंने बिल गेट्स और मुकेश अंबानी को देखा, इनकी आदत है, पारिवारिक आदत है, पूरे कंपटीशन को तहस नहस कर देने की। आप अपने बिजनेस के अंदर ब्लू ओशन, इनोवेशन या डिफरेंशिएशन क्रिएट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं एंट्री बैरियर लग जाए ताकि आपके बिजनेस में हर कोई ना घुस जाए और आप अपने बिजनेस को नए लेवल तक लेके जा सकें। लीडरशिप फनल के बारे में हमारे टीम को फोन करके पूछिए इस नंबर पे कि इसकी अगली तारीख कब की है और कहां की है। सीट्स लिमिटेड हैं, जनवरी ऑनवर्ड्स बैच एक्सपेंसिव होने जा रहे हैं क्योंकि कुछ नई चीजें हमने ऐड करी हैं। अभी अगर बचे हुए नवंबर या दिसंबर के बैच में आप आते हैं तो आपको स्पेशल फायदा होगा। देखिए, एक बात तो आप जानते हैं, कुछ भी वीडियो क्यों ना हो, मैं कुछ ना कुछ केस स्टडी के माध्यम से ही उस वीडियो को समझाता हूं, टॉपिक को समझाता हूं। आज भी हर पॉइंट में आपने ध्यान दिया होगा, कोई ना कोई कंपनी का, कॉर्पोरेट का एग्जांपल और केस स्टडी देके उस पॉइंट को एक्सप्लेन किया। यही मेरी स्पेशलिटी है जिसके लिए आप हर बार आइए और इन पावरफुल वीडियोस को देखिए। आज का मेरा प्रश्न बड़ा सीधा सा है, अगला कौन सा केस स्टडी देखना चाहते हैं खुल के बताइए। कुछ मैं तुरंत बना देता हूं, कुछ को बनाने में समय ले रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं मेरे व्यूअर्स के बीच में सबसे पॉपुलर केस स्टडी कौन से बनाने की डिजायर है जो आप मुझे कम्युनिकेट करते हैं। सबसे ज्यादा वोट आप कौन सी पॉपुलर केस स्टडी को देना चाहेंगे, मैं नीचे जाके पढ़ूंगा। जो केस स्टडीज आपकी इच्छा हो, एक दूसरे के कमेंट पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और प्रयास मैं करूंगा तुरंत सबसे ज्यादा डिमांडेड केस स्टडीज पे अपना अगला वीडियो बनाने के लिए। मेरा पर्पज है मैं ऑथेंटिक एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेट लीडरशिप इस देश में बिल्ड करूं। अगर इस प्रकार की वीडियो आपको पसंद है तुरंत थम्स अप लाइक दीजिए, मेरा भी उत्साह बढ़ता है। शेयर हर उस व्यापारी को करिए व्हाट्सएप ग्रुप में जिसको इस प्रकार के वीडियो से मदद। एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ आपका नहीं लगना, यही शेयर का बटन है, व्हाट्सएप पे दबा दो और अलग अलग ग्रुप्स में डालो ताकि लोग इनको देख के उनका फायदा हो सके, हमारे देश के व्यापारियों का। मेरा पार्टनर बनने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।